गर्मी से भी अपने दिल की हिफाजत करनी होगी, और यह सब कुछ कैसे होगा, इसमें प्राणायाम बहुत मददगार है। बाकी मददगार होंगे स्वामी रामदेव, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उन्हीं से हम जानेंगे कि इस गर्मी में अपने दिल की हिफाजत हमें कैसे करनी है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम आपको हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन और पूजा जी। मीनाक्षी जी, आपने कहा 42 डिग्री को कुछ देर तो झेल सकते, हम तो पूरे दिन भर और जीवन भर झेल सकते हैं। 42 नहीं 45 नहीं 50 को देखो, 52 तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो तो थोड़ी देर झेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सुबह एक बार ऐसे ये योगिक जोगिंग करके, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करके, दंड बैठक लगा के, सुबह सुबह एक बार पसीना बहा करके अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और जीवन तो नाम ही अभ्यास का है, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, प्रैक्टिस इज लाइफ एंड लाइफ इज प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। और इन योग और योग के अभ्यास, योगाभ्यास के इन दो शब्दों में जीवन का सारा मर्म अंतर्निहित है। तो सुबह सुबह जो हमारे साथ योगिक जोगिंग कर लेंगे, जो सुबह सुबह हमारे साथ सूर्य नमस्कार दंड बैठक लगा करके 5 मिनट में तो हम एक बार एक पूरा पावर योग का सेशन करा देते हैं, अपने आप को ऊर्जा से भर लेंगे, ऊर्जा का विघटन, ऊर्जा का असंतुलन, यही डिस्ट्रैक्शन ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड डिफरेंट डिजीजेस। ये जो अलग अलग बीमारियों का हम रोना रोते रहते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट कमजोर हो गया, अचानक हार्ट अटैक हो गया, अब इसमें कारण कोरोना, और कोरोना के समय लोग होने बहुत हाई डोज पर एंटीबायोटिक्स ली, स्टीराइड लिए, और वैक्सीनेशन के डबल डोज, ऊपर से बूस्टर डोज, अलग अलग सिंथेटिक दवाइयां से। और स्वामी जी, ये जो आपके पीछे सब धुआं धुआं सा हो रहा है, जीवन सा लोगों ने अपना लिया है, ये भी बता रहे कि आज आप हरिद्वार में नहीं है, आज आप NCR में हैं। जी मेरे भाई, स्वागत है आपका इस खुशनुमा माहौल में। मजाक कर रहे हो, खुशनुमा माहौल में, कंक्रीट के जंगल में। स्वामी जी देखिए, इंसान क्या से क्या हो गया है, हंसता खेलता आदमी, और वो भी फौजी आदमी, साइलेंट अटैक का शिकार हो जा रहा है, जान चली जा रही लम्हे भर में। ज्यादातर मामलों में स्वामी जी इसके पीछे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल और खराब खान पान को वजह बताया जा रहा है। तो सबसे पहले स्वामी जी, आपने अभ्यास की शुरुआत कर दी, ये अच्छा किया आपने कि लोग घर बैठे अपने मैट पर बैठे ना रहे, उठ करके थोड़ा सा पसीना बहा लें, और चूंकि योगाभ्यास बहुत जरूरी है ताकि आप इस तरह के हादसों से खुद को बचाए रखें। पहले एक सेशन स्वामी जी करा दें आप, उसके बाद फिर हम और सवालों को शामिल करेंगे। नहीं भाई, सेशन कराते कराते ये बात कहना चाहूँगा, चाहे आपको हार्ट अटैक की संभावना कोरोना और कोरोना के बाद के जो पत्र हुए उसके कारण से हो, चाहे आपको हार्ट अटैक की संभावना, मैंने कहा अलग अलग प्रकार के लबादे ओढ़ रखे आदमी ने, अनावश्यक रूप से अपने आप को बोझिल सा किया हुआ है, तो हम थोड़ा निर्भर कर देते हैं पहले तो ऐसे योगिक जोगिक, इतना भी न कर पाए तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत करें। जो इतना भी न कर पाए तो अनुलोम विलोम कर ले। हमारे NP सिंह साहब बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर रहे, हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, और जो शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, वैचारिक सांस्कृतिक आजादी, आर्थिक आजादी, रोग नशा से, वासनाओं से, कुंठाओं से, प्रमाद से आजादी का अभियान, आंदोलन, क्रांति हम चला रहे, उसमें हमारे एक बहुत बड़े योद्धा है, वो लगातार अनुलोम विलोम कर रहे हैं, रोज 2-3-5 हजार बार कपालभाति, और 20 मिनट अनुलोम विलोम कर लेते हैं, इसलिए रिटायर हुए ही नहीं। और उनके बगल में पूज्य साध्वी जी, ओम भूर्भुवस्व ओम भूर्भुवस्व उद्बुद्धयस्व अग्ने के साथ यजन कर रही हैं, योग यजन भजन के साथ सुबह के ऐसी शुरुआत हो, और योग चल रहा है साथ में यजन भी चल रहा है, गाय का घी का दिया तो सब जला सकते हैं अपने घर में, गूगल डाल करके, और उसमें यदि हृदयष्टि अर्जुन की छाल डाल करके हवन करते हैं और फिर इस परिवेश में योग करते हैं तो उसमें दिव्य स्पंदन तो हो गई, वो जो मेडिकेटेड एयर आपने भीतर जाएगा वो बड़ा जबरदस्त काम करेगा। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन,
और जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर ले, फिर तो जिंदगी भर के लिए हार्ट की बीमारी का खतरा टल जाएगा, चाहे जेनेटिक कारणों से हार्ट बीमारी हो, चाहे वातावरण के कारण से हो, चाहे कोरोना और कोरोना की कॉम्प्लिकेशन के कारण से हो, चाहे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से, अनहेल्दी ईटिंग से, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, लेस ऑक्सीजन सप्लाई से, स्ट्रेस से, किसी भी कारण से हो, तो ये अभ्यास तो जरूर कर ही लेना।